गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.11 फ्रॉम 8th क्वेश्चन। 7th तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिए। नाउ इन एनी ट्रायंगल एबीसी इफ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए। हमें राइट एंगल ट्रायंगल बतानी है और एंगल वो जो 90 का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए एंगल। ट्रायंगल बना रहे हैं हम जहां पे ए क्या हो 90 का। ए बी सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली बी एंड सी के सामने वाली सी। यहां से देखो साइन स्क्वायर ए, ये हमें कंडीशन गिवन है साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी बाई साइन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये ए किसके इक्वल होता है के साइन ए, बी किसके इक्वल होता है के साइन बी एंड सी किसके इक्वल होता है के साइन सी। यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ गई ए अपॉन में कि हमें यहाँ पे किसकी चाहिए साइन ए साइन बी और साइन सी। सो साइन बी किसके इक्वल आ गए यहां से बी अपॉन के एंड सी किसके इक्वल, सॉरी साइन सी किसके इक्वल आ गए यहां से सी अपॉन में के। साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। साइन स्क्वेयर ए मीन्स ए स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर इक्वल टू साइन स्क्वेयर बी मीन्स बी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर सी मीन्स सी स्क्वेयर अपॉन के स्क्वेयर। यहां से के स्क्वेयर नीचे से सभी में कॉमन है कैंसिल हो गया, ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। और ये कंडीशन किसकी होती है, ए स्क्वेयर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मीन्स बेस स्क्वेयर, सी स्क्वेयर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वेयर। ये कंडीशन किसकी होती है ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की। सो ए स्क्वेयर किसके इक्वल है बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, देन ए बी सी सॉरी बी ए सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस पे है, एंगल ए पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, प्रूव दैट बी सी कोस ए प्लस सी ए कोस बी प्लस ए बी कोस सी इक्वल टू हाफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो यहां से देखो हमें कोस ए कोस बी कोस सी दिख रहे हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कोसाइन वाला फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं बी सी एज इट इज, कोस ए किसके इक्वल होता है फॉर्मूला बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर अपॉन में टू बी सी प्लस में सी ए एज इट इज, कोस बी किसके इक्वल होता है बी स्क्वेयर सॉरी बी के बाद सी आएगा ना सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर अपॉन में टू सी ए प्लस में ए बी एज इट इज, कोस सी किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर अपॉन में टू ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, सी ए से सी ए, बी सी से बी सी, हाफ सभी में कॉमन आ रहा है, हाफ अंदर रह गया बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में सी स्क्वेयर। क्या कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर और यहाँ से ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर, अंदर रह गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, हाफ इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। यही क्या थी हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा हमें कोसाइन फॉर्मूला यूज करना था, कोस ए की वैल्यू ये, कोस बी की ये, कोस सी की ये, हाफ कॉमन आ रहा है अंदर ये टर्म रह गई, एक एक टर्म हमारी कैंसिल होगी और इक्वल टू हाफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, प्रूव दैट टेन ए अपॉन टेन बी इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं यहां से टेन ए अपॉन टेन बी, टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन में कोस ए एंड टेन बी क्या होता है साइन बी अपॉन कोस बी, कोस बी कहा जाएगा ऊपर। अब यूजिंग साइन फॉर्मूला, साइन ए किसके इक्वल होगा ए अपॉन के, क्योंकि के क्या होता है ए साइन ए, तो यहां से साइन ए किसके इक्वल होता है के अपॉन में ए, सॉरी ए क्या होता है ए अपॉन, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ए साइन ए, ए बाई साइन ए किसके इक्वल होता है के, देन ए क्या होता है के साइन ए। सो वैल्यू ऑफ साइन ए इज ए अपॉन में के एंड साइन बी इज बी अपॉन के एंड साइन सी इज सी अपॉन के, देन साइन ए की वैल्यू ये पुट करेंगे ए अपॉन में के। कोस बी कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे,
ये किसके इक्वल होता है, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में टू सी, नीचे कोस ए, ऐसे ही कोस ए किसके इक्वल होगा, बी अपॉन में, यही तो आएगा ना, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। तो कोस ए कोसाइन फॉर्मूला ये किसके इक्वल होगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर अपॉन में टू बी सी, एंड साइन बी किसके इक्वल होगा, इससे बी अपॉन में के, के ए से ए कैंसिल हो गया, यहां से बी से बी, के से के, एल से मिलेंगे तब टू सी से टू सी कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, यहाँ पे सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या क्या है देखो, टेन ए को लिख दिया साइन अपॉन कोस, टेन बी को साइन बी बाई कोस बी ऊपर चला गया, साइन ए क्या होता है ए अपॉन के यूजिंग साइन फॉर्मूला, कोस बी कोसाइन फॉर्मूला यूज कर दिया, कोस ए कोसाइन फॉर्मूला, साइन बी बी अपॉन के, और कैंसिल होके सिंप्लीफाई करने के बाद किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवंथ, प्रूव दैट बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर साइन टू ए प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर साइन टू बी प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर साइन टू सी इक्वल टू जीरो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही एक्सरसाइज ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इजी है, साइन और कोसाइन के फॉर्मूले यूज करके ही हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म ये लेके चल रही हूँ मैं, इसको सोल्व करूंगी फिर सेम एज इट इज, ये सेम एज इट इज, तीनों को एड कर देंगे और किसके इक्वल आएगा ये जीरो, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर साइन टू ए, यहाँ से बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर साइन टू ए का फॉर्मूला खोल देंगे टू साइन ए कोस ए। नाउ यूजिंग साइन फॉर्मूला, साइन ए किसके इक्वल होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के, ए किसके इक्वल हो गया के साइन ए, नाउ वैल्यू ऑफ साइन ए इज ए अपॉन में के, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम साइन वाला, बी अपॉन में साइन बी सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू के, ए की वैल्यू के साइन ए और साइन ए की ए अपॉन के। नाउ बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर इन टू टू को आगे लिख लेती हूँ मैं, यहाँ पे साइन ए की जगह पे ए अपॉन के और कोस ए कोसाइन फॉर्मूला, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में टू बी सी। अब यहां से ए कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, नीचे वन अपॉन में के ए बी सी रह गया, के इंटू ए बी सी, अंदर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर और यहां से बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए स्क्वेयर, ये रह गया नीचे के ए बी सी, वन अपॉन में के ए बी सी एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे बी की फोर माइनस सी की फोर, फिर इसकी इसके साथ करेंगे माइनस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, यानी कि पहली टर्म सोल्व हो गए ये हमारी इसके इक्वल आ गई। सिमिलरली हम दूसरी टर्म सोल्व करेंगे, साइन टू बी को लिखेंगे टू साइन बी कोस बी, साइन बी किसके इक्वल होगा बी अपॉन के, एंड कोस बी सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन टू बी टू सी ए, यहां से सिमिलरली करके लिख सकते हैं सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर साइन टू बी, ये टर्म किसके इक्वल आएगी इसको देखते हुए इसको लिखेंगे के ए बी सी, यहां आएगा यहां क्या था बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर साइन टू ए, ये आई थी इसके इक्वल, यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर है तो बी की फोर माइनस सी की फोर, तो यहाँ पे सी की फोर माइनस ए की फोर, फिर माइनस में बी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये आएगी। थर्ड टर्म आएगी हमारी क्या है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर साइन टू सी, ये इक्वल टू आएगी वन अपॉन में के ए बी सी, ए की फोर माइनस बी की फोर माइनस सी स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहां से कॉमन आ रहा है ना वन अपॉन में के ए बी सी, ठीक है अंदर ये टर्म सी की फोर बी की फोर माइनस सी की फोर माइनस में ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस में सी की फोर माइनस ए की फोर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस में ए की फोर माइनस बी की फोर माइनस सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ये सारी टर्म आपस में क्या हो जाएंगी यहां से कैंसिल हो जाएंगी और इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब कैंसिल हो जाएंगी सारी वन अपॉन में के ए बी सी अंदर जीरो रहेगा
तो कंप्लीट ये टर्म क्या हो गई, जीरो, और जीरो ही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे लेंथ ही है लेकिन बहुत इजी है। कैसे क्या है देखो एक बार फिर से, बी स्केयर माइनस सी स्केयर अपॉन ए स्केयर, साइन टू ए का फॉर्मूला खोल दिया, टू साइन ए कोसी। साइन ए क्या होता है, ए अपॉन के बाई साइन फॉर्मूला, एंड कोस ए यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई किया वन अपॉन में के ए बी सी, अंदर रह गया बी स्केयर माइनस सी स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। एक बार इस टर्म की मल्टीप्लाई इसके साथ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस में ए स्केयर की, इन दोनों के साथ। ये फर्स्ट टर्म आ गई, सिमिलरली सेकेंड देन थर्ड, तीनों को क्या करना है हमें एड, एड करते ही किसके इक्वल आ गया, जीरो के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्थ, प्रूव दैट बी स्केयर साइन टू सी प्लस सी स्केयर साइन टू बी इक्वल टू टू बी सी साइन। तो यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रही हूँ, साइन टू सी किसके इक्वल होता है, टू साइन सी कोस सी प्लस सी स्केयर साइन टू बी टू साइन बी कोस बी। टू आगे लिख लेती हूँ, टू बी स्केयर साइन सी क्या होता है, सी अपॉन के कोस सी प्लस में टू सी स्केयर साइन बी क्या होता है, बी अपॉन में के कोस बी। क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म से, टू बी सी अपॉन में के, क्या कॉमन आ रहा है, टू बी सी अपॉन में के। यहाँ पे क्या रह गया, बी कोस सी प्लस में यहां से सी कोस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ए किसके इक्वल होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, बी कोस सी प्लस में सी कोस बी। नाउ टू बी सी अपॉन में के, इसकी जगह पे मैं ए लिख सकती हूँ, टू बी सी एज इट इज ए अपॉन में के, ए अपॉन में के किसकी वैल्यू होती है, साइन ए की बाई साइन फॉर्मूला, टू बी सी इंटू में साइन ए, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो इजी था क्वेश्चन, साइन टू सी का फॉर्मूला खोल दिया, साइन टू बी का खोल दिया, अब सी साइन सी की जगह पे सी अपॉन के, साइन बी की जगह पे बी अपॉन के, कॉमन आ गया टू बी सी अपॉन के, अंदर ये बन गया, ये किसका फॉर्मूला था, प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये ए का। अब मैंने के को इसके नीचे लिख दिया ए अपॉन के, क्योंकि हमें साइन ए चाहिए, ए अपॉन के की वैल्यू क्या है, साइन ए बाई साइन फॉर्मूला, सो टू बी सी साइन ए, यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रूव दैट ए इंटू कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू टू बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम ए कोस बी प्लस ए कोस सी, यहां से टू इंटू बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला खोल देंगे हम, वन माइनस में कोस ए अपॉन में, क्योंकि वन माइनस कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। वन माइनस कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू। नाउ साइन स्क्वायर ए बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, वन माइनस कोस ए अपॉन टू, टू से टू क्या हो गया कैंसिल, ए कोस बी प्लस ए कोस सी इक्वल टू, यहां से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी वन के साथ एज इट इज माइनस बी प्लस सी इंटू में कोस ए, ए कोस बी प्लस ए कोस सी इक्वल टू बी प्लस सी, इसकी इसके साथ करेंगे बी कोस ए माइनस सी कोस ए, इन दोनों टर्म को इधर ले आऊंगी मैं, ए कोस बी प्लस बी कोस ए, यहां से प्लस ए कोस सी और प्लस में सी कोस ए, ये किसके इक्वल रह गया, बी प्लस सी के। अब ये देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूले बन रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला है, बी का, बी का फॉर्मूला है ए, या बी का फॉर्मूला बनेगा ये बी कोस ए प्लस में ए कोस बी, और ये किसका बनेगा, सी कोस ए प्लस ए कोस सी, सी का प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बी प्लस सी उधर भी क्या है हमारा, बी प्लस सी, हेंस प्रो। कैसे किया एक बार फिर से देखो, अंदर मल्टीप्लाई कर दी इसकी, यहां से साइन स्क्वायर ए बाई टू की फॉर्मूला खोल दिया, वन माइनस कोस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल, बी प्लस सी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव, ए कोस बी प्लस बी कोस ए बाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये बी के इक्वल होता है, ए कोस सी प्लस सी कोस ए बाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला इट इज इक्वल टू सी, एंड राइट हैंड साइड में बी प्लस सी, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, प्रूव दैट टू इंटू बी कोस स्क्वायर सी प्लस सी कोस स्क्वायर बी बाई टू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस
सी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रही हूं मैं यहां से, टू के अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो बी को बार टू कॉस स्क्वायर सी अपॉन टू, प्लस में यहां भी एज इट इज सी बार ले लेती और टू कॉस स्क्वायर बी अपॉन टू। क्यों लिया ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, वन प्लस कॉस सी का। वन प्लस कॉस सी किसके इक्वल होता है, टू कॉस स्क्वायर सी अपॉन में टू। ऐसे ही वन माइनस कॉस सी होता है टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। नाउ यहां से टू कॉस स्क्वायर सी अपॉन टू की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूं, वन प्लस में कॉस सी, टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू की जगह पे मैं रख सकती हूं वन प्लस में कॉस सी, प्लस में सी इंटू टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू की जगह पे वन प्लस में कॉस बी। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी, इनको इकट्ठा लिख देंगे और बी प्लस सी को इकट्ठा, प्लस में बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी। बाई प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये किसके इक्वल होता है, ए के, बी प्लस सी प्लस में ए, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। रीजन में लिख देंगे कि ए बाय प्रोजेक्शन फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, बी कोस सी प्लस में सी कोस बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो बी इसके अंदर टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बी को बार, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है वन प्लस कोस सी का, ऐसे ही इसमें वन प्लस कोस बी का अंदर मल्टीप्लाई की बी प्लस सी एज इट इज, और ये किसके इक्वल होता है ए के, सो ए इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस। ये हमारे कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 3.11 और चैप्टर भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फिनिश। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।